नहीं है, किसी का मोबाइल अलाउड नहीं है, इवन पोलिंग एजेंट का भी मोबाइल अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर्सनल हमारे जो रहेंगे और हमारे जो पोलिंग बूथ के लोग रहेंगे उनको अलाउड है, लेकिन उनको भी मोबाइल तभी यूज करना है जब देर जनी इमरजेंसी। मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं और आप लोग साइड में कुर्सी पे बैठकर यानी गप लगा रहे हैं या फिर अपने मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे कुछ कर रहे हैं, ये मान के चलिए 100% मैं आपके संबंधित जनपद के SSP को लिखूंगा इसके लिए और एनशो करवाऊंगा आपके खिलाफ कार्रवाई। मकसद हमारा कार्रवाई करना नहीं है, मकसद है आपको मजिस्ट्रेट साहब हैं अपने जो काउंटर पार्ट हैं पुलिस के ऑफिसर्स उनसे उनका मोबाइल नंबर आप लोगों ने एक्सचेंज कर लिया होगा आपस में, एक दूसरे से मिल मिल जाएं, साथी चलें और आज आप लोग अपने बूथ जरूर देखें। बूथ देखने से फर्क क्या पड़ेगा, आप दोनों लोग जब जाओगे मौके पे तो एक मैसेज गांव में किसी के दिमाग में भी अगर कोई बात होगी तो वो दूर हो जाएगी, ये सबसे बड़ा मैसेज जाएगा, सबसे अच्छा मैसेज जाएगा। कल से आप लोगों को बहुत एक्टिव रहना। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसा आयोग पिछले 1.5-2 महीने से सर 20 तारीख को इलेक्शन है फरीदाबाद में, पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? 20 तारीख को जो तीसरे फेज का इलेक्शन जनपद फर्रुखाबाद के अंदर होना वाला है उसके संबंध में सारी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी है। आज अभी जो हमारा पुलिस फोर्स साथ ही साथ जो हमारे CAPF के लोग थे और जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट जितने भी लोग थे जो आए थे इन सभी की ब्रीफिंग की गई है। हमारा पूरा जनपद है जिसमें 4 विधानसभाएं हैं उसको 15 जोन में और 132 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर जो हमारी सेक्टर मोबाइल्स बनाई गई है वहाँ उनके साथ में सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं, जोनल मोबाइल्स बनाई गई है उनके साथ जोनल पुलिस अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त हमारी अलग से 61 क्लस्टर मोबाइल्स बनाई गई है जिसमें भी पर्याप्त फोर्स है। उसके अलावा हमारी लॉ एंड ऑर्डर में QRTs बनाई गई है, थाना मोबाइल बनाई गई है, CO रेजिडेंस की मोबाइल बनाई गई है और हर थाने पर 2 एक्स्ट्रा मोबाइल्स बनाई गई है जिसमें हमारा पुलिस फोर्स और PSC का फोर्स भी रहेगा। सारे जितने भी संवेदनशील केंद्र और हमारे बूथ और मजरे हैं वहाँ पर सभी जगह पर एरिया डोमिनेशन लगातार चल रहा है, कल भी चल रहा था आज भी चल रहा है। जितने भी नाका हैं हमारे 16 नाका हैं और करीब 25 चेक पॉइंट्स हैं। उसके अलावा जितने भी आर्टीरियल रोड्स हैं उन सभी पर भी लगातार चेकिंग चल रही है और लगातार अवैध शराब कैश और आपका अवैध असला है इनके संबंध में लगातार चेकिंग चल रही है। 24/7 हमारा सर्विलांस काम कर रहा है, जो भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करना चाहेगा उसको किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। अभी तक ऐसी कहीं पे कोई अनटावरिंग इंसिडेंट अभी तक सामने नहीं आया है, सभी जगह पूरी शांति व्यवस्था है। जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं वो कल सातनपुर मंडी से मॉर्निंग 8 बजे से रवाना होगी और रवाना होने के बाद में सभी अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर जाएगी और आज से ही हमारी जितनी भी टीमें हैं सभी अपने अपने एरिया के अंदर एक्टिवेट हैं और जो 20 तारीख को जो इलेक्शन होगा उसको पूरी शांति के साथ बिना किसी इंसिडेंट के पूरे फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न करवा जाए। उपद्रवियों के निपटने के लिए हमने बताया आपको कि एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन से अगर किसी ने उपद्रव मचाया तो उसको कतई नहीं बख्शा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हमारी थाने पर एक्स्ट्रा मोबाइल बनी हुई है, हमारा CAPF फोर्स लगा हुआ है जो बाहर से आया है, उसके अलावा हमारे PSC लगी हुई है और सर्विलांस हमारा जो है वो लगातार काम कर रहा है। पब्लिक के लिए हमारा संदेश अजय सर 20 तारीख को मतदान है, फरुखाबाद में आपकी तरफ से कितनी तैयारी की गई है और कितने केंद्र आए हैं, कितने सेंटर है? 20 फरवरी को जो मतदान होने जा रहा है फरुखाबाद में उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे 1629 बूथ हैं और 990 पोलिंग सेंटर्स हैं। हमारे जो इस बार मतदाता रहेंगे वो 13,95,937 जिसमें पुरुष मतदाता 7,51,306 और महिला मतदाता 6,44,595 और जो थर्ड जेंडर के हैं वो 35 हैं। इसमें जो व्यवस्था की गई है इसमें पोलिंग पार्टीज जो हैं हमारी 1761 हैं।
और हमने 100 माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए हैं, 979 हमने वेबकास्टिंग बूथों पे हम वेबकास्टिंग कराएंगे। इसके अलावा हमारे 132 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और 15 जोनल मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। सारी तैयारी पूर्ण हो गई है, हम ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी तरीके से, स्वतंत्र रूप से कराएंगे।